press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जैसे जैसे हमारा वीडियो आते जाएगा आप इसका एक नोटबुक तैयार करते जाइएगा, अर्थात सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा अंक ला पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे जैसे ही कोई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन का जो है कुछ आंसर सेट वन और सेट टू में थे, जिसमें सेट वन में 12 क्वेश्चन और सेट टू में भी 12 क्वेश्चन थे, तो कुल 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखिए 25 नंबर से उसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके आगे देखिए 25 नंबर में है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आवेश को निम्न से उच्च स्थितिज ऊर्जा की ओर ले जाने में स्रोत यानी सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल या EMF कहलाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। 26 में, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, देखिए धातु के प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। उसके बाद 27 में है, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक एवं विमाएं लिखे। इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रति एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक देखिए हो जाएगा ओम मीटर, ये ओम का सिंबल है और ये मीटर, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा हो जाएगा ML/3, T/-3 और A/-2। 28 में है, विद्युत धारा की परिभाषा दें, इसका SI मात्रक लिखें। आंसर इसका हो जाएगा, आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे सूचित करेंगे कैपिटल I से। तो I = क्या हो जाएगा, DQ/dt यानी आवेश के प्रवाह का दर, ये DQ/dt धारा कहलाएगा। इसका SI मात्रक देखिए हो जाएगा, आवेश के लिए कूलम और प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड करंट का मात्रक हो जाएगा और इसी को हम एम्पियर भी कहेंगे। तो विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। 29 में देखिए, विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए प्रयुक्त परिपथ आरेख खींचिए। तो इसमें देखिए विभव मापी का सिद्धांत भी लिखना है और दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए प्रयुक्त परिपथ आरेख भी खींचना है। तो विभव मापी का सिद्धांत पहले देख लीजिए, विभव मापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि किसी तार में कोई नियत वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी समरूप तार के किसी भाग के सिरों का विभवांतर उस भाग के लंबाई का समानुपाती होता है। तो ये सिद्धांत हो गया। अब दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए प्रयुक्त परिपथ आरेख खींचने कहता है, उसको देख लीजिए। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए प्रयुक्त परिपथ आरेख देखिए ये दिया हुआ है। यहां देखिए एक सेल, एक एमीटर, एक रिहोस्टेंट, इसको धारा परिवर्तक बोलेंगे, एक पलक की किंजी और ये AB विभव मापी का 100 मीटर लंबा तार। तो ये देखिए विभव मापी हो गया
और इसका प्रयोग क्यों करना है, दो सेलों के विद्वाहक बल की तुलना के लिए। तो यहाँ देखिए सेल नंबर वन और सेल नंबर टू जुड़ा हुआ है कहाँ से, ए पॉइंट से विभवमापी से। यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और ये चौकी है। तो ये परिपथ आरेख केवल बना देना है और विभवमापी का सिद्धांत उधर ले देना है। उसके बाद 30 में देखिए है, फिर से विभव मापी के सिद्धांत को लिखें। इसकी सहायता से किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो देखिए विभव मापी का सिद्धांत तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 29 में देखे थे, तो उसी से इसका आंसर लिख लेना है। और ये देखिए इसकी सहायता से यानी विभव मापी की सहायता से किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचना है। तो ये देखिए किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का ये परिपथ दिया हुआ है। फिर वही ए से बी, ये ऊपर में क्या है विभव मापी और नीचे एक सेल लगा हुआ है वी वोल्ट का, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, एक कुंजी है और एक गैल्वेनोमीटर और एक चौकी। ये नीचे वाला जो है ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद 31 में है देखिए, लॉरेंज बल यानी लॉरेंज फोर्स क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिलित प्रभाव में आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल कहलाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए एफ वेक्टर, ये क्या है बल इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये लॉरेंज बल का एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद 32 में देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक नाम लिखना है और उसका परिभाषा भी देना है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा और इसी को हम टेस्ला भी बोलेंगे, टेस्ला एक बड़ा मात्रक है। उसके बाद किस इसका परिभाषा देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तेतीस में देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय व्यंजक लिखें। एम्पियर के परिपथीय का गणितीय व्यंजक लिखना है। देखिए किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और पथों की कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात देखिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई, और ये बंद रेखा समाकलन का सिंबॉल है। 34 में है बियो सावर्त नियम की व्याख्या करें। बियो सावर्त के नियम की व्याख्या करें, इसका आंसर देखिए हो जाएगा किसी धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये देखिए एक तार है जिसके अल्पांश की लंबाई डी एल है और इससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र डी बी उत्पन्न होता है इसमें आई धारा के कारण। तो ये जो संबंध आया हुआ है डी बी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इस संबंध को हम बियो सावर्त का नियम कहेंगे। 35 में है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य सिद्धांत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य विधि इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण के प्रभाव से कुंडली अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित होकर घूमने लगती है। उसके बाद 36 में है संट क्या है इसका उपयोग समझाएं। इसका आंसर देखिए हो जाएगा संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर आ मीटर बनाया जाता है। 37 में है ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक ए मीटर और वोल्ट मीटर, इधर ए मीटर में इससे विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में हो जाएगा इससे किन्हीं परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। ए मीटर में दूसरा नंबर हो जाएगा इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरा हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर का इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।